हाय एंड हेलो गाइस, स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। मैं हूं आप लोगों का सोनू भाई और आप लोग देख रहे हो गेमर रोसिस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे पबजी वाले नल्ले हैं जो कि हमारे फ्री फायर के बारे में भला बुरा बोलते रहते हैं। उसके मैंने थोड़ी सी रोस्ट किया है उन लोगों को, आप लोग रोस्ट ही समझ लो, क्योंकि मैं स्नैक वीडियो पर ज़्यादातर वीडियो डालता हूँ तो वहाँ पर शॉर्ट वीडियो डालना पड़ता है, इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना के उन लोगों को रोस्ट किया है। तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो देखने में। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सबसे पहले मैंने रोस्ट किया है एक आरके लक्की नाम का बंदा को, जो कि फ्री फायर के बारे में काफ़ी बुराई करता रहता है, और उसको मैंने कल भी एक वीडियो पे रोस्ट किया था। आप लोग इसे रोस्ट ही समझ लेना, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो में रोस्ट करता हूँ, शॉर्ट वीडियो से अपना खुद का शायरी लिख के उन लोगों को मैं जवाब देता हूँ, और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आता है आप लोगों का। तो यूट्यूब में भी मैंने सोचा कि यूट्यूब में भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो देख लीजिए आप लोग इस बंदा ने क्या बोला था और इसको मैंने कैसे रोस्ट किया। हे गूगल, ये फ्री फायर वाले आजकल इतना उड़ रहे क्यों है? वह उनके बाप के दम पे उड़ रहे हाय। अच्छा, उनके बाप का नाम तो बताओ मुझे। ये भी कोई पिछने वाली बैट हाय, पबजी पबजी पबजी। क्या बोला बेटा, पबजी फ्री फायर का बाप है? क्या बोला बेटा, पबजी फ्री फायर का बाप है? बेटा बात ऐसी है ना कि बाप के जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बाप नहीं बन जाता। फ्री फायर पबजी का बाप है ये दुनिया जानती है, मगर तुम जैसे पबजी के कुछ नल्ले बेटों को समझ में नहीं आता और हमारा घंटा कुछ नहीं जाता। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये आरके लक्की नाम का बंदा कितना फ्री फायर के बारे में बुराई करता रहता है। स्नैक वीडियो पे सारे के सारे इसके वीडियो मैंने देखा कि फ्री फायर की बुराई करता ही रहता है हमेशा, इसीलिए मैं इसे रोस्ट कर दिया कि एक वीडियो से मतलब जवाब दिया, इसका मतलब रिप्लाई हो सकता है हमारे फ्री फायर की तरफ से। तो पबजी वालों की तरफ से हम लोगों को क्वेश्चन आया तो हम लोगों ने रिप्लाई दे दिया। अभी कुछ यूट्यूबर्स लोग बोलेंगे कि तू पबजी के बारे में क्यों भला बुरा बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी पबजी लवर्स को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो भी फ्री फायर के बारे में बुराई करता है मैं उसे रिप्लाई देता हूँ, बस एक शायरी बोलकर या तो मैं कुछ वीडियो में डायलॉग बोलकर मैं उसे रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। इसमें से कोई भी पबजी लवर बुरा मत मानना, क्योंकि जो भी फ्री फायर हैटर्स से जो भी फ्री फायर की बुराई करता है उसे मैं जरूर से वीडियो बनाकर रिप्लाई दूंगा, इसलिए आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत मानना। अपना अपना गेम है, अपने अपने जगह पे सही है गेम। तो मैं यही बोलना चाहूंगा और आप लोग और एक शायरी सुन लो मेरा। क्या बोला, फ्री फायर की ग्राफिक्स अच्छी नहीं है? क्या बोला, फ्री फायर की ग्राफिक्स अच्छी नहीं है? तो तेरा पबजी का ग्राफिक्स कौन सा अच्छा है रे? और सुन बेटा, हम फ्री फायर वाले हैं, तुम लोग जैसे चोरी छुपे का गेम नहीं खेलते हम लोग नीडर होके खुल्लम खुल्ला खेलते हैं, इसलिए हमारा ग्राफिक्स खुल्लम खुल्ला है। साले अल्ट्रा बॉट कहीं का, तेरे को क्या मालूम, पबजी में तो मार नहीं पाया, अब फ्री फायर में आके घंटा करेगा। आप लोगों ने देख लिया होगा कि पबजी वाले कुछ मतलब फ्री फायर हैटर्स है, वो लोग बोलते रहते हैं कि फ्री फायर का ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, 2 GB रैम का गेम है, ये है वो है बोलते रहते। तो मैंने इसीलिए उन लोगों को एक वीडियो बना के जवाब दे दिया कि हमारा फ्री फायर का ग्राफिक्स ऐसा है। खास करके ये फ्री फायर हैटर्स के लिए है, जो भी अपने आप पबजी खेलो यार, कोई इतराज नहीं है हमें, लेकिन फ्री फायर की बुराई गलती से भी नहीं करने का। सुना है स्नैक वीडियो बैन होने की न्यूज सुनते ही फ्री फायर की जम के बुराई करने लगे हो? क्यों, जब मैं तुम लोगों को स्नैक वीडियो पे रोस्ट करता था तब तक तो किसी का भी मुंह नहीं खुला था, क्या हुआ स्नैक वीडियो बैन हो गई तो कोई रोस्ट नहीं करेगा बोलकर सोच रहे हो? बेटा तुम जैसे फ्री फायर हैटर्स की रोस्ट करना कभी बंद नहीं करूंगा, बस अभी रोस्ट करने का जगह बदला है, रोस्ट खत्म नहीं हुआ है, जाके सर्च कर लो गेमर रोसिस्टर। सो गाइस, आप लोगों ने ये शायरी भी सुन लिया होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा आप लोगों को ये शायरी। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, जैसे ही मैंने MS टकाटक पे एंट्री मारी थी स्नैक वीडियो बैन होने की खबर सुनते ही, तो मुझे एक वीडियो ऐसा मिला कि मुझे काफ़ी गुस्सा आया। पबजी वाले कुछ बोल रहे थे अब तो फ्री फायर की वाट लगने वाली है क्योंकि स्नैक वीडियो बैन हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे स्नैक वीडियो पे फ्री फायर की वीडियो ज़्यादा चल रही है, आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फ्री फायर के प्लेयर इतना मतलब फॉलोअर्स लेके बैठे हैं कि चौंक जाएंगे लोग, क्योंकि इतना डांस करने वाले इतना अच्छा जो कि परफॉर्मेंस करते हैं उन लोगों का फॉलोअर्स फ्री फायर प्लेयर के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए पबजी वाले सोच रहे थे कि अब तो स्नैक वीडियो बैन हो जाएगा तो हम लोग MS टकाटक पे एंट्री लेके फ्री फायर वालों को डाउन देंगे, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी स्नैक वीडियो फिर से वापस आने की खबर सुनी है मैंने, तो शायद से आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो आप लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो भी फ्री फायर के बारे में बुराई सुनना नहीं चाहता है, जो भी फ्री फायर लवर है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ। अगर कोई पबजी वाला आप लोगों को कुछ भी बोले तो मुझे एक बार कॉमेंट करके बता देना, मैं उसका शायरी कर आप लोगों को जवाब दे दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आज के लिए बाय बाय।